मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों आज का जो सब्जेक्ट है वो है सेक्शन 498A क्रूरता का केस करने के लिए उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे बनता है। ये इसलिए आज का सब्जेक्ट तय किया गया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि 498A का केस किस जगह पे फाइल होना चाहिए, कौन से कोर्ट्स में दाखिल होना चाहिए। तो इसके संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया। आज मैं उस जजमेंट को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। आगे मैं उसी जजमेंट पर चर्चा करूँगा, लेकिन इससे पहले हम ये समझ लें कि एक कॉमन लॉ क्या है। सीआरपीसी के सेक्शन 177 में ये एक व्यवस्था दी गई है जिसको कि मैं आगे पढ़ूँगा कि अगर एक सामान्य सी बात है कि कोई भी घटना कहीं पे घटित होती है, कोई भी अपराध कहीं पे घटित होता है, तो उस अपराध जिस जगह पे हुआ है उसकी एफआईआर उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में की जाएगी। और जिस पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई है, जिस क्षेत्र में जहाँ पर ये घटना घटित हुई है, अपराध हुआ है, उसका जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट में लगता है वहाँ पर उसी कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा। ये बहुत एक कॉमन सी बात है, लेकिन हम इसको ये भी समझ लें कि इसको सीआरपीसी के सेक्शन 177 में कहा क्या गया है। तो उसमें बहुत स्पष्ट ये व्यवस्था दी गई है। एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्रायल्ड बाय ए कोर्ट विद इन हूज लोकल जुरिस्डिक्शन इट वाज कमिटेड। इट इज देयरफॉर क्लियर दैट इन द नॉर्मल कोर्स इट इज द कोर्ट विद इन whose local jurisdiction the offence is committed that would have the power and authority to take cognizance of the offence in question। ये बिल्कुल साफ वाली बात इसमें कह दी गई है। लेकिन अब इतनी बात तो होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इसके साथ में कई बातें प्रैक्टिकली समस्याएं आती हैं, उनका निराकरण करने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 178 में चार जो है एक्सेप्शन दिए गए हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं, वो एक्सेप्शंस को मैं वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा। क्यों? क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें ये वाली बात प्रॉब्लम कर देती है कि आखिर घटना इधर हुई या उधर हुई। तो इसको हम लेते हैं सबसे पहले ए। जब घटना के स्थान के लिए ये डाउट हो कि वो किस स्थान के अंतर्गत घटित हुई है। अब ये डाउटफुल है कि इधर हुई है या वो इधर हुई है। इधर पुलिस का जुरिस्डिक्शन दूसरा लगता है स्टेशन का, इधर थाना दूसरा लगता है। अगर ये वाले थाने में जाता है मैटर तो कोर्ट दूसरा होगा, और इधर वाले थाने में जाता है तो कोर्ट दूसरा होगा। तो ऐसे जगह पर ये व्यवस्था की गई है कि अगर ये डाउट है तो वो इन दोनों में से किसी भी कोर्ट में थाने में एफआईआर हो जाएगी, और इसमें से अगर वो डाउट क्लियर नहीं है तो उनमें से किसी भी कोर्ट में वो मैटर जा सकता है। दूसरा, जब अपराध कुछ एक स्थान पर हुआ और बाकी दूसरे स्थान पर। तो अपराध भी ऐसे होते हैं, पार्टी इधर हुआ और थोड़ी देर के बाद वो आगे बढ़ा, वो दूसरे जुरिस्डिक्शन में चला गया, तब भी इन दोनों में से कोई सी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो सकती है और उसका ट्रायल भी कोर्ट भी वही वाला लग जाएगा जहाँ पर एफआईआर हुई है। सी, तीसरा जो है वो ये है कि जब अपराध विभिन्न क्षेत्रों में लगातार किया गया, जैसे एक कोई क्राइम कोई अपराध हो रहा है रेल में हो रहा है, ट्रेन के अंदर, वो ट्रेन बराबर बढ़ती जा रही है, वो जुरिस्डिक्शन चेंज होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जैसे किसी ने किडनैप कर लिया, तो किडनैप तो किया, एक जगह पर ले रोका रखा, दूसरी जगह पर ले गया, तीसरी जगह पर, ये सब लगातार चल रहा है। ऐसी स्थिति में भी इन सारी जगहों में से भी किसी भी जगह पर वो केस दर्ज कराया जा सकता है, एफआईआर हो सकती है। और चौथा ये है कि जब अपराध अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है तब भी दोनों में से वो दोनों एरिया जिसमें लगते हैं वहाँ पे भी वो किया जा सकता है। ये तो हो गई एक्सेप्शन, लेकिन इसके साथ में एक और 179 में व्यवस्था दी गई। उसमें क्या कहा गया, उसमें ये व्यवस्था की गई कि जब अपराध हुआ तो एक स्थान पर है लेकिन उसका परिणाम दूसरी जगह पर आ रहा है, तो ऐसे मामलों में दोनों स्थानों पर वो एफआईआर और केस चल सकता है। अब हम इस पर आज के सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो जो समस्या आ रही है वो ये है
कि आईपीसी की सेक्शन 498A में जो व्यवस्था की गई है कि क्रूरता का केस, क्रूरिटी का केस जो चलेगा वो कहाँ चलेगा। अब इसकी परिस्थितियाँ विचित्र हैं, वो क्या है, वो ये कि एक लड़की के साथ में उसकी ससुराल में उसके हस्बैंड, उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड रिलेटिव्स जो भी हैं उनके द्वारा क्रूरता की गई। तो क्रूरता कहाँ पर हो रही है, ये हो रही है उसके ससुराल मैट्रिमोनियल होम में, और उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है, उसको वो कहाँ चली जाती है, या तो वो चली जा अपने माता पिता पेरेंटल होम में चली जाती है। तो पेरेंटल होम में चली गई, अब वहाँ पे स्थिति भी तरह तरह की आती है। तो अब ये है कि वो जो ऑलरेडी परेशान है वो क्या ससुराल में जा कर के, क्योंकि क्राइम तो वहाँ हुआ है, अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि जिस जगह पर क्राइम होगा वहीं पर उसका जुरिडिक्शन बनेगा, तो क्राइम तो हुआ है उसके मैट्रिमोनियल होम में ससुराल में, तो वहीं पे जो जुरिडिक्शन लगता है वहीं पे उसका केस होना चाहिए। तो वो तो चली गई, अब उसका वहाँ पर फिजिकली आना समस्या हो रही है, उसको साथ में ये लग रहा है कि उसकी साथ में मारपीट भी हो सकती है, वो कैसे आए, तो ये सारी तरह की प्रैक्टिकल समस्याएं आती हैं। तो वो अपने जहाँ पेरेंट्स रहते हैं या रिलेटिव रहते हैं या जिन लोगों ने उसको शेल्टर दिया जहाँ पर भी वो रहती है, तो क्या वहाँ पर भी 498A का केस किया जा सकता है, या वहीं पे होगा जहाँ घटना घटित हुई है। इस तरह के क्वेश्चन सामने आ गए और अलग अलग केस भी चले। तो किसी मामलों में कोर्ट ने ये कहा कि नहीं नहीं, केस एज पर सेक्शन 177, 178 एंड 179 जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया है उसके हिसाब से 498A का केस तो ससुराल में ही चलना चाहिए क्योंकि घटना वहाँ घटित हुई है। लेकिन कुछ का कहना ये था कि नहीं, क्यों, जैसे 179 में जो कहा गया है उसके तहत कि घटना तो हुई लेकिन परिणाम उसके दूसरी जगह पर हो रहे हैं। अब ऐसा कैसे, वो इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया, शादी तो हुई थी एक स्टेशन से, बॉम्बे और दिल्ली का ये उदाहरण ले लेते हैं, तो जो लड़की है वो रहने वाली है बॉम्बे की, शादी हुई दिल्ली में, झगड़ा हुआ दिल्ली में और वो चली गई पेरेंट्स के पास, और पेरेंट्स इस समय बॉम्बे से ट्रांसफ़र होकर कहीं दूसरी जगह चले गए, वो चले गए बेंगलोर में, तो क्या केस कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ये कहा कि जहाँ वो लड़की के पेरेंट्स, जहाँ पे उसने शेल्टर ले रखा है, जहाँ पे पेरेंट्स इसको कोड ना करें, वो रिलेटिव्स के साथ में भी रह सकती है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ घर भी जा सकती है। कहने का मकसद ये है कि जहाँ भी उसने शेल्टर ले रखा है उस जगह भी वो केस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो अलग अलग व्यूज़ की वजह से ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, और वो मामला कौन सा था पहले ये समझ लेते हैं। ये मामला था रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्रिमिनल अपील नंबर 71 ऑफ 2012, जो कि डिसाइड हुआ 9 अप्रैल 2019 को। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला था, और क्योंकि इसमें अलग अलग व्यूज़ थे नीचे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच गठित की, और CJI के जिसको लीड कर रहे थे वो, उनके द्वारा 3 जजों की बेंच में ये फैसला दिया गया। अब इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग दे दी गई। मित्रों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कि हम समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। कानून तो अपने कानूनी मार्ग से चलेगा, कानूनी रास्ते से चलेगा, हमारे सही और गलत कहने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये जो मैं जजमेंट लेके आता हूँ, ये जजमेंट एक हमारे लिए रूलिंग का काम करते हैं, एक नज़ीर है कि ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीजन बेंच या लार्जर बेंच ने जो जजमेंट दे दिया, तो वो जजमेंट पूरे इंडिया में सिमिलर वाले केस में वो एक रूलिंग है, एक वो नज़ीर बन गई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने इसमें क्या डिसाइड किया, इसको मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। द प्रोविजन्स कंटेंड इन सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पेनल कोड अनडाउटडली इनकम्पसेस बोथ मेंटल एज वेल एज द फिजिकल वेलबींग ऑफ द वाइफ। इवन द साइलेंस ऑफ द वाइफ मे हैव एन अंडरलाइंग एलिमेंट ऑफ एन इमोशनल डिस्ट्रेस एंड मेंटल एगोनी। हर सफरिंग एट द पेरेंटल होम दो मे बी डायरेक्टली आर्बिट्रेबल कमीशन ऑफ एक्ट्स ऑफ क्रूल्टी बाई द हजबेंड एट द मैट्रिमोनियल होम वुड अनडाउटडली बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट कमिटेड एट द मैट्रिमोनियल होम। सच कॉन्सिक्वेंसेज वाई इट सेल्फ वुड अमाउंट टू डिस्टिंक्ट ऑफेंसेज
committed at the parental home where she has taken shelter. The adverse effect on the mental health in the parental home, though on account of the acts committed in the matrimonial home, would, in our considered view, amount to commission of cruelty within the meaning of section 498A at the parental home. अगर उसके साथ में जो उसकी ससुराल में उस उसके साथ में जाती हुई और वो वहाँ से जाकर के अपने पेरेंटल होम में पहुँच गई, लेकिन उसका जो मेंटल जो उसकी स्थिति है वो तो किसकी दी हुई है, घटना जहाँ से हुई है वहाँ के स्थिति को सोच करके वहाँ की स्थिति से प्रभावित होकर के वो वहाँ पर रह रही है. तो इस तरह से 179 जो सेक्शन है सीआरपीसी के, उसमें जो प्रोविज़न किया गया कि घटना तो एक जगह पे हुई और परिणाम उसकी दूसरी जगह पे मिल रहा है, तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू ये निकल के आया फाइनली लार्जर बेंच के द्वारा कि ऐसी स्थिति में 498A के केस में केस जो है वो उसका कहाँ पे फाइल हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है जहाँ पर वो शेल्टर लिए हुए है, चाहे वो उसके पेरेंट्स का घर हो, फ्रेंड्स का, रिलेटिव, किसी का भी घर हो, कहीं पे भी शेल्टर लिया हुआ है उसने, उसके उस जो जुरिस्डिक्शन जहाँ पे वो रहती है वहाँ का जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट है उस वहाँ पे भी फाइल हो सकता है और जहाँ पे उसकी ससुराल है वहाँ पे भी हो सकता है. क्योंकि कई सारे मामलों में इस ग्राउंड पर डिसमिस कर दिया गया कि साहब वो तो जहाँ पे घटना हुई है वहीं पे होना चाहिए. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली लार्जर बेंच के द्वारा ये डिसाइड किया. आगे क्या कहा, वी देयरफॉर होल्ड दैट द कोर्ट्स एट द प्लेस वेयर द वाइफ टेक्स शेल्टर आफ्टर लिविंग और ड्राइविंग अवे फ्रॉम द मैट्रिमोनियल होम ऑन अकाउंट ऑफ एक्ट्स ऑफ क्रुएल्टी कमिटेड बाई द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स वुड डिपेंडेंट ऑन द फैक्चुअल सिचुएशन ऑल्सो हैव जुरिडिक्शन टू इंटरटेन ए कंप्लेंट अलाइंग कमीशन ऑफ ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पेनल कोड. तो ये मित्रों, ये सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के द्वारा ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई और अब कोई इस पर डाउट नहीं रहा कि 498A का केस कहाँ पे दाखिल हो सकता है, कहाँ पे दर्ज हो सकता है. और इस ग्राउंड पर, इसके जुरिडिक्शन पॉइंट पर जो संदेह था, जो डाउट था, वो ख़त्म हो गया. तो आज का ये मेरा वीडियो इस उन्हीं मामलों के लिए है कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी की वजह से जानकारी नहीं होती और जानकारी ना होने की वजह से जुरिडिक्शन पॉइंट पर लास्ट में जाकर के केस ही डिसमिस हो जाता है. तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए इस निगाह से हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई. नमस्कार.